अच्छा, एक साथ मिलकर सब लोग जोर से बोलेंगे छत्रपति संभाजी महाराज की जय, हर हर महादेव। दोस्तों, हमारे इतिहास के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन कुछ ही ऐसी कहानियां हैं जिन्हें हमने महसूस किया। छत्रपति संभाजी महाराज हमारा वही इतिहास है जो हमें हमारी आइडेंटिटी से अवगत कराते हैं, हमें बताते हैं कि हम भारत माता की वो संतानें हैं जिसके एक बेटे ने टुकड़े टुकड़े हो जाना स्वीकार किया, लेकिन मुगलों के सामने झुके नहीं। मेरे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज अगर स्वराज का दीपक हैं, तो उनके बेटे संभाजी महाराज उसकी आग, जो उस भावना को हमेशा जिंदा रखती है। उनकी पूरी जिंदगी एक ऐसी मोटिवेशन है जो आज भी हमें इंस्पायर करती है और आगे युगों युगों तक करती रहेगी। उसी से इंस्पायर होकर एक फिल्म आने वाली है, छावा। विकी कौशल, रश्मिका, अक्षय खन्ना जैसे स्टार से सजी इस फिल्म का टीजर अभी भी मेरे दिमाग में चल रहा है। आपने देख लिया? आपका रिएक्शन क्या है कमेंट करके जरूर बताना। हर एक शॉट, हर एक इमोशन, एआर रहमान का म्यूजिक और गद्दी पर हिंदवी स्वराज का चमकता तिलक लगाए बैठे छत्रपति संभाजी महाराज, ये सब कुछ वो फील दे रहा है जो बहुत कम फिल्में अचीव कर पाती। इस अचीवमेंट को पाने के लिए इसके डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने वो सब कुछ किया जो जरूरी था। फिल्म में दो एक्शन डायरेक्टर्स हैं, जिनमें से एक कोरिया से हैं और हॉलीवुड मूवी मार्को पोलो की एक्शन टीम का हिस्सा रहे। वॉर सीक्वेंसेस के लिए 1500 से 2000 जूनियर आर्टिस्ट हायर किए गए हैं। 150 से 200 हाथी और घोड़े भी इसमें दिखेंगे आपको। फिल्म को और ग्रैंड बनाने के लिए इसके एक्शन सीक्वेंसेस और सेट डिजाइन बाहुबली और RRR की टक्कर के दिए गए। विकी कौशल ने खुद इस फिल्म के लिए अपना वजन 116 किलो तक बढ़ाया है। विकी कौशल जिस इंटेंसिटी के साथ सैकड़ों मुगल सैनिकों से लड़ रहे हैं, अकेला शेर हजार पर भारी पड़ गया है। औरंगजेब के कैरेक्टर में अक्षय खन्ना जब कहते हैं कि शिवा चला गया लेकिन अपनी सोच छोड़ गया, तो ये लाइन ही उस जिल्लत का प्रमाण है जो संभाजी महाराज ने उसको दिए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बने उनके पुत्र संभाजी महाराज ने न सिर्फ मुगल सल्तनत से मराठा साम्राज्य को बचाया बल्कि आंतरिक कलह को भी शांत किया। अब जैसे शेर का बेटा तो शेर ही होता है, वैसे छत्रपति संभाजी महाराज भी वही शेर थे जिस पर देश को आज तक अभिमान है। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी माँ साईबाई का देहांत हो गया। जिन छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों में जीजाबाई ने राजनीति और राष्ट्रनीति के गुण भरे थे, उन्होंने ही संभाजी महाराज के चरित्र का निर्माण भी किया। उनकी वीरता का सबसे बड़ा प्रमाण ही तो था कि औरंगजेब ने खबर फैला दी कि वो तब तक अपना ताज नहीं पहनेगा जब तक संभाजी महाराज मुगल सेना द्वारा पकड़े नहीं जाते। छत्रपति संभाजी महाराज ने कई बार मुगलों की सेना को हराया था। अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने 210 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारा। रामसेज के किले को जीतने के लिए औरंगजेब 5 सालों तक लड़ाई लड़ता रहा। इसके लिए उसने अपने बेटे आजम को भी मैदान में उतारा, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने उस पूरी सेना को हरा दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह औरंगजेब कभी छत्रपति संभाजी महाराज को हरा नहीं पाया, लेकिन 15 फरवरी 1689 को गद्दारों की वजह से संभाजी महाराज और उनके सलाहकार कवि कलश को पकड़ लिया गया और इसके बाद जो हुआ वो बताने के लिए जिगर चाहिए। दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स का एक डायलॉग है कि कभी कभी सच इतना खौफनाक होता है कि लोगों को झूठ ही लगता है। छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश के शरीर से चमड़ी निकाल दी जाती है, आंखों में कीले मारकर आंखें फोड़ दी जाती है, नाखून निकाल लिए जाते हैं और इस्लाम कबूल न करने पर उनकी जीभ भी काट दी जाती है। 40 दिनों तक यातनाएं देते हुए उनके शरीर के अंग काटे जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। मुगलों और मौत दोनों की हिम्मत तोड़ देने वाले ऐसे वीर योद्धा को 11 मार्च 1689 को गला काटकर मार दिया जाता है। मराठा साम्राज्य में भय उत्पन्न करने के लिए उनके सिर को पूरे राज्य में घुमाया जाता है, लेकिन इसके बाद मराठा साम्राज्य न सिर्फ उनके ऐसे बलिदान से उठ खड़ा होता है बल्कि इसके बाद मुगलिया सल्तनत लगातार कमजोर होती चली जाती है। उनके पुत्र साहूजी महाराज ने मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाया और बाजीराव ने तो देश के 40% से ज्यादा हिस्से पर मराठा ध्वज लहरा दिया था। अब ऐसी कहानी को जब आप फिल्म के द्वारा सामने रखते हैं तो तगड़ी रिसर्च करनी पड़ती है बॉस, लेकिन कितनी तगड़ी रिसर्च की गई है और एग्जीक्यूशन कैसा है ये 6 दिसंबर को पता चलेगा जब ये फिल्म रिलीज होगी। लेकिन ये फिल्म पुष्पा 2 के साथ रिलीज हो रही है, मैं पहले ही बता देता हूँ बाबा, पुष्पा 2 के साथ अगर ये रिलीज हो रही है तो मेरी पहली चॉइस यही होगी, बोले तो छावा। बाकी आप कौन सी फिल्म पहले देखने जाएंगे कमेंट करके जरूर बताना और टीजर कैसा लगा वो भी मैं आपसे जानना चाहता हूं, इसलिए कमेंट जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं स्क्रीन वाला पर एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। मेरे साथ एक साथ बोलिए हर हर महादेव।